वेरी गुड बेटा। पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेपरेशन, स्मॉल डी फ्रॉम सेंटर सी। ठीक है ना, पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट सेपरेशन स्मॉल डी फ्रॉम द सेंटर सी। तो आप क्या करेंगे, अभी आपने सेंटर पे रख के पूरा एनालिसिस कर लिया है कि आप क्यू चार्ज सेंटर पे रखते हैं तो कैसा प्रोड्यूस होता है सब चीजें, ठीक है। बट अगर आपने डिस्टर्ब स्टेट पर रखा है, थोड़ा डिस्प्लेस्ड स्टेट पर सेंटर से, या आपका सेंटर था आपने यहाँ रखा है इसको, ठीक है, तो भी आप इस कंडक्टिंग शेल पर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा सारा ये बता सकते हैं या बिल्कुल नहीं बता पाएंगे? बताइए, अंदर वाली सरफेस पे बताइए, S1 सरफेस पर, एट S1 क्या बोलेंगे? हाँ, बट होगा तो माइनस क्यू, इसमें तो डाउट नहीं है, ठीक है ना। एट S1 क्या होगा, चार्ज विल बी माइनस Q1 ड्यू टू सेम रीजन, लिख दो माइनस Q1 ड्यू टू सेम रीजन, जो आपकी गॉसियन सरफेस है और वो सब चीजें जो है जो आपने देखी पहले, ठीक है। माइनस Q1 ड्यू टू द सेम रीजन, बट दिस माइनस Q1, ये माइनस Q1 जो होगा आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? बट दिस माइनस Q1 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। क्लियर है क्या बेटा? एकदम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि अब बाहर के किसी पॉइंट पर फील्ड इसकी वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर नहीं, आर तो यहाँ से सेंटर से, ठीक है ना, वो क्या होगी जो यहाँ से डिस्टेंस हो, ठीक है। तो कोई इसको क्या कह रहे बेटा? हाँ सॉरी, माइनस Q1 क्यों कह रहा हूँ मैं, माइनस क्यू है, विल बी माइनस क्यू, ठीक है ना, माइनस क्यू होगी, माइनस क्यू है, इधर क्यू है तो अंदर कितना होगा आपके, माइनस क्यू होगा, और बाहर कितना होगा, एट S2 कितना होगा बताइए एक बार। हाँ, एट S2 + Q, और सब बच्चों का बहुत ही अच्छी तरह कहानी समझ में आ गई है इसका मतलब। एट S2 क्या होगा, +Q, बट कैसा, सबको क्लियर है बेटा, क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एट S2 + Q बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, +Q का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, पहले उस सेंटर पर अगर आपको उसको रिलीज कर देते, जब आपने सेंटर पे स्मॉल क्यू रखा था, अगर आप वहां पर उसको रिलीज कर देते, ठीक है, तो वो वहीं रखा रह जाता है, डिस्प्लेस हो सकता था? अरे यार, वहीं रह जाता हो, अगर सेंटर पे चार्ज में स्मॉल क्यू सेंटर पे रख देता और फिर वहां पर उसको मैं रिलीज करता, जैसे अभी प्रीवियस केस था कि सेंटर पे रख रहे थे ना अपन स्मॉल क्यू, वहां पे मैंने छोड़ दिया उसको, तो वहीं पे रखा रह जाएगा या वहां से डिस्टर्ब हो जाएगा? हाँ, वहीं पे रखा रह जाएगा। और इस केस में, क्या होगा? हाँ, इफ क्यू इज रिलीज्ड, बिल्कुल एक तरफ हो जाएगा, फ्रॉम द पोजिशन, इफ क्यू इज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन शोन, इसमें इट विल मूव टू द सरफेस, इस सरफेस की तरफ मूव करेगा बेटा, छोड़ते, इट विल मूव टूवर्ड द सरफेस, क्योंकि क्या है वहां पर आपने जब था तो माइनस क्यू के कारण कोई फील्ड नहीं थी, तो सेंटर पे रखने पर सेंटर पे नेट फील्ड जीरो आ रही थी बाकी सारे चार्जेस के कारण, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा तो अंदर हर पॉइंट पर फील्ड जीरो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, तो इस पर स्मॉल क्यू पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये क्या आएगा, टूवर्ड द सरफेस मूव करेगा, रिलीज फ्रॉम द पोजिशन चोन इट विल मूव टूवर्ड द सरफेस। ये बात क्लियर है बेटा? आपका माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो +Q क्या होगा, यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, रिलीज कर दो, बट आप सेंटर पे रिलीज करो कहीं नहीं जाएगा वो, क्योंकि उस पर नेट फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। अब बाकी आप कहो कहीं मैं वो निकाल दूं, चार्ज वार्ज निकाल सकते हैं अपन, फील्ड तो बाहर तो निकाल सकते हैं अभी अपन,
ठीक है ना, अंदर हम कहीं फील्ड नहीं निकाल सकते बेटा, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कैसा होगा, बट इतना कह सकते हैं कि ये माइनस क्यू अपने को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि ये स्मॉल क्यू और ये माइनस क्यू बाहर किसी भी पॉइंट पर जीरो फील्ड प्रोड्यूस करें, ठीक है, बट कितना कहाँ पे करेगा अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड, ऐसा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ। बाहर स्टिल मैं सब कुछ लिख सकता हूँ क्योंकि बाहर पता है कि अंदर वाले से कुछ नहीं आना है, ठीक है। बाहर जो प्लस क्यू है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो अब भी डाउट तो नहीं किसी को, कहाँ रखा है मैंने, डिस्टर्ब स्टेट पर रखा है, तो बाहर पी पॉइंट पर तो अब भी फील्ड पता है, फील्ड पोटेंशियल सब पता है कितना है, किसी को डाउट तो नहीं है। हाँ, और पोटेंशियल के क्यों होते हैं, बट अंदर मैं कुछ नहीं लिख सकता बेटा, क्योंकि ये माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बेटा, अगर सेंटर पे ना रखा जाए।